हैं। देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ट्राउज़र को पहले नीचे से फोल्ड कर लिया है, तो इस डिज़ाइन के लिए आपको ट्राउज़र की लेंथ बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करने के बाद हम डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। डिज़ाइन रेडी करने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने पट्टियाँ ली हैं, दो मैंने सेम कलर की ली हैं, दो जिस भी कंट्रास्ट का आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। इसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच, ऐसे है ये 2.5 इंच। सबसे पहले हम इन स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। स्ट्रिप ले लूंगी, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से रखते हुए, और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी चाहिए। ये एक पैर की मैंने इस पे पूरे पे लंबाई पे सिलाई लगा ली। जैसे इस पे सिलाई लगाई है वैसे इसे भी रेडी कर ली। ये देखिए, ये इस पे दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली, इस पे भी और इस पे भी। अब इसे फोल्ड करते हुए हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से दूसरी तरफ को फोल्ड कर लीजिए और यहाँ बिल्कुल साइड साइड पे इस पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। पूरे दोनों पे मैंने ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बिल्कुल साइड में लगाया कॉर्नर में। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं। तो इसमें तो एक बड़े पीस में से 20 इंच में से 5-5 इंच के मैंने इस तरीके से पीसेस कट कर लिए। सेम इसमें से भी कट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से सारी पट्टियों को कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए, मैंने इस तरीके से मैंने बुकरम लिया, उसे मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। ये मैंने लिया है 3.5 इंच और इसकी बुकरम की लंबाई मैंने ली है 7 इंच और कपड़ा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे नीचे से इस तरीके से जो एक्स्ट्रा इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर पहले सिलाई लगा। ये देखिए, ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब हम इसे सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारे पास सेंटर में एक मार्क आ जाए। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, इसमें देखिए लाइन सी बन गई, इसे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाली पट्टियाँ ली हैं, इस पर देखिए मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया हुआ है इस तरीके से, लंबाई में 1.25 इंच पे हर एक पट्टी पे मैंने यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लिया ताकि हमें स्टिचिंग में इजी हो। अब हमें क्या करना है, इसका भी सेंटर पॉइंट लेना है। इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे मैंने निशान लगा दिया, इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट पे मिलाना है इस तरीके से। फिर दूसरी पट्टी लेनी है, उसे इस निशान के ऊपर रखना है 1.25 इंच के डिस्टेंस पे जो हमने निशान लगाया हुआ है। फिर तीसरी पट्टी रखनी है इसके ऊपर 1.25 इंच के डिस्टेंस पे। फिर नेक्स्ट रखनी है, यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। मैंने निशान लगा लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसे हम कट कर लेते। एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ को फोल्ड करना है और लंबाई में इसे इस तरीके से फोल्ड करते रहेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे हम सिलाई लगा। ये देखिए, जैसे सिलाई इस तरफ लगाई थी वैसे इस तरफ भी लगा ली। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही खूबसूरत हमारा इसका ये डिज़ाइन बन गया। अब 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। इस तरीके से मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये मैंने लिया है 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 7 इंच। अब हम पहले फोल्ड करके इसे शेप दे देते हैं। तो यहाँ से सेंटर में से मैंने इसे फोल्ड कर लिया, यहाँ से 1-1 इंच की साइडों से हमें इसे इस तरीके से शेप दे देनी है। ये 1 इंच का निशान लगाया, इसे सीधा मिला लिया, यहाँ से भी 1 इंच का निशान लगाते हुए इसे सीधा हमें स्ट्रेट मिला लेना है इस तरीके से, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने इसे कपड़े पे प्रेस कर लिया। अब यहाँ से फोल्ड करते हुए इस पे हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे बीच में से सेंटर मार्क कर लीजिए। ये मैंने सेंटर मार्क कर लिया।
इसका सेंटर ले लिया। अब हमें ट्राउज़र वाला पीस लेना है जो हमने बॉटम से स्टिच किया हुआ है इस तरीके से। इसका भी मैंने सेंटर मार्क किया हुआ है, देखिए ये जो हमने सेंटर मार्क किया है यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ निकालना है इस तरीके से, हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ निकालते हुए सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से बुकरम के साइड साइड पे आपको सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर। साइड में नोचेस लगा दिए, अब इसे अंदर की तरफ को टर्न कर लीजिए इस तरीके से। अंदर की तरफ को टर्न करते हुए इसे अच्छे से प्रेस कर लीजिए और यहाँ से भी इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए ये मैंने फोल्ड किया और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए अच्छे से इसे प्रेस कर लीजिए। ये मैंने इसे अच्छे से प्रेस से अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया है बुकरम को। अब ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये लेना है, इसे रखना है इस तरीके से। देखिए ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन आएगा यहाँ पे। और सिलाई लगाने से पहले हम इसे अच्छे से इसे पिन अप कर लिए। ये मैंने इसे अच्छे से पिन कर लिया ताकि सिलाई लगाते हुए हमारा हिले नहीं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा। ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आप बीड्स लगाना चाहते हैं, बटन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ पे बीड्स बटन कुछ भी आपके पास, तो यहाँ पे हम इसमें फैब्रिक बटन लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन था उसमें मैंने इस तरीके से डेकोरेटिव बटन लगा दिया। तो आप फैब्रिक बटन, बीड्स, कुछ भी इस तरीके से बटन है इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा इसका डिज़ाइन दिख रहा है। ये देखिए तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इसे स्लीव में भी आप बना सकते हैं, ट्राउज़र के इस तरीके से पोंछे में बनाना चाहे बना सकते हैं। ये देखिए तो ये हमारा डिज़ाइन देखिए बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया।